हाँ माँ, हाँ रख लिया है। पापा कहाँ है? अच्छा, पापा को बोलना कि एक बार सतीश अंकल को कॉल कर ले। माँ एक मिनट, वाईफाई वाले का कॉल आ रहा है, करता हूँ मैं आपको। यस, अरे मैंने बोला ना कि आई एम मूविंग टू लंदन परमानेंटली, तो मैं आपकी सर्विस का कैसे यूज करूंगा वहां? देखिए, मैंने अपने सारे ड्यूज जो है पे कर दिए, सो क्लोज द टिकट एंड सेंड मी रिसीप्ट। ओके, थैंक यू। हाँ, 3 बजे निकलूंगा। अलार्म लगाने की क्या जरूरत है, रात को नींद ही नहीं आएगी। अच्छा बस ही रखते हैं, मौसा को नमस्ते कहना। हाँ ठीक है, बाय। सुबह आने वाले थे ना तुम? सॉरी यार, वो क्या ना, गाड़ी की सर्विस नहीं कराई बहुत दिन से, तो साली आते टाइम धोखा दे दी। और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें? तूने तो सारी पैकिंग कर ली। और क्या करता? अभी कहाँ है? मुझे क्या पता? क्यों, वो नहीं आया क्या? तुम दोनों ना एक जैसे हो, कमीने। अरे यार तो ये मेरा दोस्त लंदन जो रहा है। अरे क्या हुआ, तू क्यों नाराज हो रहा है? नाराज तो हमें होना चाहिए जो तू हमें छोड़कर जा रहा है। लेकिन सच में राहुल, तेरे बिना हमारा क्या होगा? हाँ यार, है ना दी? मैंने सोचा था तुम दोनों आज जल्दी आ जाओगे और मेरी पैकिंग में हेल्प करा दोगे, लेकिन पैकिंग? हाँ बता, क्या पैक करना है? हो गई पैकिंग, अब नहीं है तुम दोनों की जरूरत। तो इसका मतलब हम चले जाएं? जाओ जाओ ना। ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले अपना गिफ्ट ले ले। गिफ्ट? हाँ, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। मैंने सोचा था आज तुम लोग जल्दी आओगे टाइम पे, और तुम अब आ रहे हो। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, 3 बजे मुझे निकलना है। सिर्फ 7 घंटे हम साथ रहेंगे। तो क्या हुआ, हम इन 7 घंटों को अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में शुमार कर लेंगे मेरी जान। चल अब गुस्सा तू और पार्टी की तैयारी करते हैं। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी, मुझे रेस्ट करना है। अच्छा, इन्हें रेस्ट करना है, चल इसे रेस्ट कराते हैं। आराम कर, आराम कर ले, आराम लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, और देख आज हम तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं। तूने अपना प्रॉपर्टी का काम संभाल लिया, मैंने ई कॉमर्स का, और हमारे राहुल भैया इन्होंने तो सीधे लंदन तक की छलांग मार ली। हाँ अदिति, तेरा क्या हुआ, तू तो लॉकडाउन के बाद शादी करने वाला था ना? हाँ यार, करने वाला था, लेकिन घर वाले नहीं माने संध्या के लिए। संध्या? ये संध्या कौन है? 3rd year वाली। फोटो दिखाना इसे? नहीं ना, मैं इस कमीने को फोटो नहीं दिखाऊंगा। क्यों क्यों? ये उसमें भी कमियां ढूंढेगा, और तू तो इसकी आदत जानते ही है, ये हर लड़कियों में कोई ना कोई कमी ढूंढ लेता है। किसी की नाक मोटी होती है तो किसी की पतली, किसी की शक्ल हिरन जैसी होती है तो किसी की बकरी जैसी। अरे यार, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो बस अपना ओपिनियन देता हूँ। तू फोटो दिखा ना। ना बाबा, मैं नहीं फोटो दिखाऊंगा। चल ठीक है, मत दिखा,
मैं उसे तेरी शादी में खुद ही देख लूंगा। अच्छा सुनो गाइस, कल मैं लंदन चला जाऊंगा और अबीर बैंगलोर और तू कानपुर। उसके बाद पता नहीं हम फिर कभी मिले या ना मिले। यार तो ऐसी बातें क्यों कह रहा है? हम मिलेंगे ना, हम जरूर मिलेंगे। तू गए तो तुझसे मिलने के लिए लंदन ही आ जाएंगे। हाँ अब यार देख, ये रात हमारी जिंदगी में बहुत दिनों के बाद आई है। अब कल आए ना आए, लेकिन ऐसा तो कल कभी नहीं आएगा कि हम यूं अकेले जाम पे जाम छलका रहे होंगे, राइट? क्योंकि तब इसके साथ की संध्या होगी और तेरे साथ थी ड्रीम गर्ल। और तेरे साथ? मेरे साथ? मेरे साथ कोई नहीं होगा। ओ कम ऑन अबीर, हम सभी जानते हैं कि तू हमारे कॉलेज का मोस्ट हैंडसम बॉय था, तो तेरी पसंद भी स्पेशल होगी। वो अलग बात है कि तू हमें बताना नहीं चाहता। अब यार कोई है ही नहीं तो मैं तुम दोनों को क्या बताऊं? चलो ठीक है गाइस, हम लोग अपने कॉलेज का पुराना गेम खेलते हैं, ट्रुथ एंड डेयर। हाउ बोरिंग है। मैं नहीं खेलता। इसमें बोरिंग क्या है? इसी बहाने हम एक दूसरे के दिल में छुपे हुए सीक्रेट्स जान पाएंगे। सीक्रेट्स? अरे यार एक दूसरे को बता दिए तो सीक्रेट्स कहां से होंगे? इसी में तो मजा है। हम तीनों ने कभी ना कभी एक दूसरे के लिए अपने दिल में कुछ ना कुछ अजीब ख्याल तो सोचा होगा ना। अजीब सा? अजीब सा क्या सोचा होगा? मुझे नहीं पता। चलो गेम स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं खेलना। इसका मतलब तुम दोनों के दिल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ तो चलो फिर खेलते हैं। चल फिर शुरू करते हैं। यस। हाँ तो मिस्टर अबीर मखीजा, आर यू रेडी? बता क्या बताना है? सिर्फ बताना ही नहीं है, करना भी है। यार जो बताऊंगा वो करूंगा कैसे? मतलब अगर मेरे दिल में कभी तुझे थप्पड़ मारने का ख्याल आया भी होगा तो क्या मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा? हाँ तो फिर ठीक है, थप्पड़ खाने के लिए रेडी हो जा। अरे मजाक मत कर यार, सच बता। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज गाइस कोई बुरा नहीं मानेगा। हाँ तो इस गेम की शर्त ही यही है कि कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं आदित्य को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। हाँ बता। तू संध्या से शादी मत कर। क्यों? क्योंकि 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 मेरा उसके साथ रुको हो चुका है। यार क्या बकवास कर रहा है तू? यार मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। कॉलेज टाइम में मैं उसका क्रश था और आज भी हमारी व्हाट्सएप पे बात होती है। यार मैं नहीं मानता ये सब। हाँ हम कैसे मान ले कि तू सच कह रहा है? यार मैं सच बोल रहा हूँ। वेट मैं उसे कॉल ही कर लेता हूँ। कर कर चल। हेलो कैसे हो? वाह तुमने मुझे आज कॉल कैसे कर लिया? क्यों नहीं कर सकता क्या? अरे मेरा मतलब ये था कि कभी मेरे मैसेज तक रीड नहीं करते थे और आज सीधा कॉल। बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था। तुम कैसे हो? अच्छा मैं वो फ्रेशर पार्टी वाला दिन याद कर रहा था। फ्रेशर पार्टी वाला दिन या फ्रेशर पार्टी वाली रात? हाँ वही। तुम्हें वो अभी तक याद है? अच्छा संध्या मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, लगता है कोई आया हुआ है। जा देख जाके उसको। तुझे क्या हुआ? तू क्यों हंस रहा है? यार मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और अबीर ने मेरा काम आसान कर दिया। पीछा छुड़ाना जा रहा था? हाँ यार मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। तू सच कह रहा है? बस मैंने उसे ऐसे गर्लफ्रेंड बना रखा था। थैंक्स अबीर, थैंक्स। लेकिन तू ही उससे शादी करना चाहता था? हाँ मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लेकिन क्या? छोड़ यार गेम आगे बढ़ाते हैं। ओके नेक्स्ट। बिंगो। ओ चल अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू संध्या से शादी क्यों नहीं करना चाहता। हाँ हाँ बता बता। क्योंकि I am bisexual.
What? Actually मुझे लड़के भी पसंद है और लड़कियां भी। ये मैं बात सिर्फ तुम दोनों को बता रहा हूँ। यार कभी पता नहीं चला मैं तो तेरा कभी किसी लड़के के साथ कुछ हुआ? नहीं कभी नहीं। तो कौन है वो खुश नसीब? वो यही है। यही है? हाँ कॉलेज में जब मैंने तुझे फर्स्ट टाइम देखा था ना तभी तुझे किस करने का मन कर रहा था। कैन आई किस यू नाउ? राहुल तो यार ऐसा मत कर। Leave me alone आदित्य, अभी भी फाइन। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी यार। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। क्या हुआ? गेट नहीं खोल रहा। राहुल दरवाजा खोल प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं। देख राहुल हम दोनों तेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और अगर तुझे कुछ बुरा लगा हो तो तुझे वो बात हमसे शेयर करनी चाहिए। क्या शेयर करूं? यही कि आई वॉज इन लव विद आदित्य एंड ही लव्स यू। तो तू आदित्य से प्यार करता है? हाँ शायद खुद से भी ज्यादा। और वो तेरी ड्रीम गर्ल? कोई ड्रीम गर्ल नहीं थी, ड्रीम बॉय था आदित्य। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पर पता नहीं मेरा कंट्रोल नहीं रहा। लिसन गाइस हमें ना ये सब बकवास नहीं करनी चाहिए। Let's continue the party. राहुल अब पार्टी तभी शुरू होगी जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे कुछ क्लियर नहीं करना लेकिन मुझे क्लियर करना है। अभी तो तू मुझसे प्यार करता था और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था और आज सही वक्त आ भी गया था लेकिन तुम तो अभी के साथ। यार वो मेरा अट्रैक्शन था, उससे क्या होगा? मैंने तुम्हें आज बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी? लेकिन एक बार ट्राई तो कर सकता हूं।
हो गया दोनों का, चले पार्टी कंटिन्यू करना है गाइस।